मल्हार सरकार ने तोड़ा गंगूबा तात्या का मुंह और पैदा हुआ धनाजी सरदार से भी बड़ा दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, बड़ी बात है, बहुत बार हमने सुना भी है, हमारी लाइफ में हुआ भी होगा कि जब दोस्त दुश्मन बनता है तो बहुत ही बुरी स्थिति पैदा होती है। और अब ये बात हम देवी अहिल्या के इस धारावाहिक जिसका नाम पुण्य श्लोक अहिल्या है उसमें देख रहे हैं। मल्हार सरकार के वापस आते ही एक एक करके सब पोल खुलने शुरू हो गए और गंगूबा तात्या की पोल भी मल्हार सरकार के सामने खुल गई और मल्हार सरकार की बात को भी गंगूबा तात्या ने काट के ये बता दिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है देवी अहिल्या को हटाने की, उन्होंने बहुत सही किया है, यही सही है मालवा के लिए। अब ये बात तो मल्हार सरकार मान नहीं सकते हैं क्योंकि देवी अहिल्या से सही मालवा के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। तो यहीं पे दोनों दोस्तों के बीच में तनातनी हो गई है। दोस्तों चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऐसा नहीं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मल्हार सरकार देवी अहिल्या की पैरवी कर रहे हैं और गंगूबा तात्या विरोध कर रहे हैं, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मगर गंगूबा तात्या बाद में कन्विंस होते भी नजर आते हैं क्योंकि देवी अहिल्या साबित करती है अपने आप को बार बार लगातार। इस बार गंगूबा तात्या क्यों अड़े हुए हैं अपनी बात पे, क्यों नहीं चाहते हैं देवी अहिल्या राजगद्दी पे बैठे, इसके पीछे विशेष कारण है दोस्तों, और वो कारण है पेशवा। क्योंकि गंगूबा तात्या जैसे सीना ठोक के मल्हार सरकार के सामने बोलते हुए नजर आए इस कड़ी में हमें, वैसे वो पहले कभी नजर नहीं आए। इसका यही कारण है कि उनके पीछे उनके सर पे किसी और का हाथ है कि देवी अहिल्या गद्दी पे नहीं बैठनी चाहिए, चाहे कुछ भी करो गंगूबा। इसलिए वो मल्हार सरकार को बार बार समझा रहे हैं कि सरकार ये गलत है और तर्क उनके पास कोई भी नहीं है। अब साक्षात सामने है कि देवी अहिल्या के कारण इतनी बड़ी समस्या सॉल्व हुई, प्रजा को पानी मिला, रिसेंट विक्ट्री देवी अहिल्या की, अपने बच्चों को पीछे छोड़ के प्रजा को उसने देवी अहिल्या ने पूरा उनका साथ दिया। तो ये त्याग देवी अहिल्या कर रही है, उस त्याग में बच्चे भी पिस रहे हैं, मगर ये बात गंगूबा तात्या नहीं देख रहे हैं। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि देवी अहिल्या की स्त्री है और वो नहीं बैठनी चाहिए, इससे पुरुषों का अपमान है, और यही पेशवा को वो दिखा रहे हैं, और पेशवा गंगूबा तात्या के साथ है। इसीलिए मैंने कहा कि दोस्त जब दुश्मन बन जाए, धनाजी सरदार भी मल्हार सरकार के दोस्त थे दोस्तों, जब जो हिस्ट्री बताती है कि ये दोनों सैनिक ही थे, मगर जब मल्हार सरकार आगे निकल गए, उनको रियासत मिल गई उनकी बहादुरी की वजह से, तो धनाजी सरदार जलन में चले गए। और ये जलन इस कदर बड़ी दोस्तों कि मल्हार सरकार के वाड़े में ही रहके मल्हार सरकार के पीठ पे छुरा घोंपने की बार बार उन्होंने कोशिश की, तो उनकी दुश्मनी वहां से ही शुरू हो गई थी और क्लियर हो गया था कि मैं दुश्मन ही हूं और सामने मैंने दोस्ती का नाटक करना है। तो यहां पे गंगूबा तात्या जो ना सिर्फ मल्हार सरकार के दोस्त रहे हैं बल्कि बहुत बड़े सलाहकार रहे हैं और उनकी बातें मल्हार सरकार मानते भी रहते हैं, मगर अब स्थिति कुछ अलग है दोस्तों, क्योंकि अब मल्हार सरकार की बातें गंगूबा तात्या नहीं मान रहे हैं, मान रहे हैं तो पेशवा की बातें। और ये बात अभी इस कड़ी में नहीं, इससे पहले भी हो चुकी है। तो मल्हार सरकार को जैसे ही ये बातें पता चली हैं दोस्तों, और गौतमा रानी ने भी जरूर बताया होगा, इसलिए मल्हार सरकार दुखी हैं। उनको इस बात का भी दुख है कि गंगूबा तात्या ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, जबकि पहले मल्हार सरकार को पल पल की खबर गंगूबा तात्या भेजते थे। तो इसके पीछे की वजह भी मल्हार सरकार अब समझ चुके हैं दोस्तों, और अब ये भी समझ चुके हैं कि गंगूबा तात्या जो है कुछ और ही रुख अख्तियार करेंगे, और वो उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे किसी का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं कड़ी में, मगर दिखा रहे हैं कि कोई है जो आ गया है गंगूबा तात्या के लिए, उनके आगे फ्रंट में लड़ने के लिए। अब गंगूबा तात्या एक्सपीरियंस्ड है और दिमाग से चलने वाला इंसान है, अब वो कहां कहां घात करेगा इसी बात का डर है मल्हार सरकार को। जैसे मैंने कल भी कहा था वीडियो में, मल्हार सरकार प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और देवी अहिल्या भी, इसलिए गंगूबा तात्या का
राज दरबार में रहना जरूरी है, मगर अब मल्हार सरकार की नजर गंगूबाई तात्या पे भी रहेगी, क्योंकि ये दोस्त मल्हार सरकार के हिसाब से अभी दुश्मन नहीं बना है। उनको नहीं पता है कि गंगूबाई तात्या क्या सोच रख रहे हैं। उनको बस यही लगता है कि गंगूबाई तात्या देवी अहिल्या के खिलाफ बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए वो गंगूबाई तात्या को बोल रहे थे। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यही निर्णय है और ये निर्णय गंगूबाई तात्या को गवारा नहीं है दोस्तों। तो गुस्सा गंगूबाई तात्या का, उनके तेवर, वो सब इस कड़ी में दिख गए हैं। आगे इसका परिणाम भी बहुत ही भयानक होने वाला है। देखते हैं कैसे आगे लेके जाते हैं इस धारावाहिक को। तब तक देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.